बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब भी कोई ऐसा केस होता है जो हाई प्रोफाइल केस होता है जिसके अंदर आवाज़ उठानी जो है वो मकसूद होती है, कोशिश मेरी होती है कि उसके बारे में हर अपडेट जो है मैं आप तक पहुँचाऊँ। इस वक्त कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं मेरे पास, कुछ अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट हैं। असद शाह जो है उसने कहाँ पर किस बात का इकरार किया है, कहाँ पर वो क्या बातें छुपा रहा है, जज साहब ने आज असद शाह की किस बात पर खूब क्लास ली, और उसके बाद असद शाह जो है उसके फ़ोन के हवाले से कुछ अहम चीज़ें सामने आ रही है। दो फ़ोन असद शाह के, जिनमें से एक फ़ोन इस वक्त पुलिस के पास है और दूसरा फ़ोन कहा जा रहा है कि वो पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस जो है इस बात से इनकारी है कि उनके पास वो फ़ोन नहीं है। उस फ़ोन के अंदर क्या है, ये कुछ चीज़ें जो हैं ये सामने आई हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद क्या कुछ असद शाह से मुतल्लिक जो है फॉरेंसिक के लिए भेजा जा चुका है और उनके हवाले से क्या कुछ सामने आ चुका है वो भी आपको बताना है। इसके अलावा असद शाह की बीवी हिना जो है इस वक्त अपने वालिद के समेत, यानी कि फयाज शाह उसके वालिद हैं, उन समेत रिपोश है। हिना ने 7 दिन का जो है बेल ले ली थी और उसके बाद हिना ने दोबारा पेश होना था, लेकिन पुलिस ने ये बताया कि ना वो जुडिशल कमेटी के सामने पेश हुई, ना वो किसी किस्म का तआवुन करी है, बल्कि वो मंजर आम से बिल्कुल ही गायब है। और उसके बाद जियो न्यूज़ के रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट दी कि बाप और बेटी जो हैं दोनों, उनकी लास्ट लोकेशन जो है कराची की सामने आई है। कराची में ये दोनों बाप बेटी जो है ये रूपोश है, और अब इस बारे में पुलिस क्या करती है, अगर लोकेशन का पता लग गया है, मालूम हो गया है कि वो कराची में है, तो क्यों उनको अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया हिना शाह के हवाले से कि हिना कहाँ पर है। अलबत्ता हिना का वालिद जो है फयाज शाह, वो इस बच्ची फातिमा के घर वालों से सख्त नाराज़ है। उसने कहा है कि मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा नाम लिया गया, उसकी इज्जत उछाली गई, उसकी वीडियोज़ जो हैं, तस्वीर जो हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हुई तुम लोगों की वजह से, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ये सब बताया फातिमा की माँ ने। उसने कहा है कि हमें पीर फयाज शाह की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि हम तुम्हें देख लेंगे। सिर्फ यही नहीं, इन गरीब लोगों के ऊपर इस वक्त बहुत दबाव है। कच्चे के डाकू हैं जिनकी एक वीडियो जो है बहुत वायरल हुई, और उनको जो है सुना जा सकता है जिसमें वो असलहा जो है वो दिखाते हुए ये बता रहे होते हैं कि रानीपुर की हवेली की हमें हिफाजत बहुत अच्छी से करनी आती है, हम इन पीरों को बहुत अरसे से जानते हैं, और यहाँ पर पहले तो इससे कोई बात नहीं हुई, अब इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं, ये हमारे पीर हैं। अब यहाँ पर ये ज़रा सोचिएगा कि ये पीर हैं किन लोगों के, डाकुओं के। ये डाकू कहते हैं कि असद शाह की इज़्ज़त उछालने वाले, इस पर बात करने वाले, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम इन सबको अच्छे से निमट लेंगे और इन लोगों को भी निमट लेंगे जो असद शाह की इज्जत को उछाल रहे हैं। यानी कि इस बच्ची के वालिदैन को उन्होंने धमकी दी और उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की गई। तो ये देखिए अब रूल एंड लॉ जो है वो कहाँ पर है। ये कच्चे में बैठ कर ये डाकू जो है ये इस तरह के ऐलान करते हैं, तो इनको पकड़ने वाला क्या कोई नहीं है, क्या यहाँ पर कोई कानून मौजूद नहीं है? ये मामला जैसे अक़वामे मुत्तहिदा में भी उठाया जा रहा है और बाकायदा तौर पर बाहर के ममालिक में अब इसका चर्चा है। पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है इस वजह से कि एक मासूम बच्ची जो है वो कब्र को पहुँची है, उसके साथ वहशियाना तशद्दुद का इंकशाफ हुआ और जिस तरह से उस बच्ची ने तड़प तड़प कर जान दी है, इस कदर जालिम ये लोग हैं कि मैं कहती हूँ कि इन लोगों को इनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, चौक में लटका कर मारना चाहिए, जो भी कसूरवार है पता करे पहले, डीएनए सैंपल्स जो है। अच्छा, एक और बड़ी हैरान कन और खौफनाक जो है तफसीलात जो मुझ तक पहुँची हैं वो ये हैं कि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के मामले भी बड़े बड़े होते हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि ये लम्स के लैब में ये तमाम तर नमूने जो है वो भेजे गए थे, लेकिन अब पुलिस की तरफ से बाकायदा ख़त लिखा गया और उसमें कहा गया कि जनाब ये हम लम्स के बजाय कराची लैब से हम तमाम तर प्रोसीजर कराएंगे, और इसके लिए ख़त दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ से अब हमने ये नहीं कराना। तो ये सब मामला क्या है, क्यों यहाँ से लैब को तब्दील किया जा रहा है, किसके कहने पर तब्दील किया जा रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खैरपुर पुलिस ने डीएनए सैंपल के लिए भेजे जो अज्जा है वो वापस क्यों मांगे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको भी नोटिस में लेना चाहिए। पुलिस सर्जन समिया है, उन्होंने मेडिकल बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई की दरख्वास्त दी है। ये सब चीज़ें भी एक साइड पर हो रही हैं। मामला जो है ये इतना सादा नहीं है, मामला इतनी आसानी से छुपने वाला नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये हो रही है, मैंने कहा इस बारे में भी आपको बताऊँ। और एक SHO साहब है इलाके के, वो इनके घर गए, सादा कपड़ों में गए और जाकर इसकी वालदा को डराया, धमकाया और साथ ले जाने की कोशिश की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम तो बातचीत करने गए थे, इलाके के लोग हैं, हम इसलिए गए थे, इनको समझाने गए थे, लेकिन वालदा ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको डराया धमकाया गया, उनसे केस को वापस लेने के लिए कहा गया और उनको साथ चलने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। जहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो रही है वहाँ पर आज की अदालती कार्रवाई भी थी, जहाँ पर मुलज़िम को चेहरे पर कपड़ा डालकर लाया गया। ये वो मुलज़िम जो बड़े शान शौकत के साथ अपने घर में बैठा करता था और इसके मुरीद जो है वो इसके सामने जो है पानी भरते नज़र आते थे, अब वही जो पीर है
वो हाथों में बेड़ियाँ हैं, पाँव के पीछे कमर के पीछे हाथ बंधे हुए हैं, चेहरे पर कपड़ा है और इसको यहाँ पर लाया जाता है और बड़ी ढिटाई बेशर्मी के साथ यहाँ पर ये पेश होता है, बड़ी माजत के साथ। देखिए अभी पता लगना है कि असल मामला क्या है, लेकिन मामला जो बज़ाहिर नज़र आते हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। अगर ये इतना ही सच्चा है तो इसने अपने फ़ोन को क्यों लॉक किया हुआ है? अब इसके फ़ोन के हवाले से अदालत के अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई। अदालत में उन्होंने कहा, जो पुलिस है उसने जो तमाम मौका पेश किया है और जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है उसके हवाले से जब अपडेट किया तो उन्होंने कहा कि जी इसका फ़ोन नहीं खुल रहा, इसका फ़ोन नहीं खुल रहा, ये अपने फ़ोन का पासवर्ड कहता है कि मुझे भूल गया है। ऐसे मौक़ों पर पासवर्ड भूल ही जाते होते हैं। फ़ोन जो है खोलने के लिए अजीबोगरीब हीले बहाने किए जा रहे हैं कि फेस रिकग्निशन से खुलता है तो उससे भी नहीं खुलता। पुलिस ने फ़ोन जो है करीब ला के चेहरे के किया तब भी नहीं खुला। फिर उसके बाद दूसरी उसने कहा कि मेरे पासवर्ड भूल गया है। यहाँ पर जज साहब ने उसकी सरजनिश की और उसे डांटा और उसे कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अपना पासवर्ड बताओ ताकि तुम्हारा फ़ोन खोला जाए। असद शाह के पास दो फ़ोन थे। पुलिस ने यहाँ पर इस्तदा की कि दो फ़ोन थे जिनमें से एक फ़ोन जो है वो रिकवर हुआ है, दूसरा फ़ोन जो है वो रिकवर नहीं हुआ। तो ये भी इससे सवाल किया गया कि वो दूसरा फ़ोन किधर है, अगर वो सच्चा है तो बताए। कहा यह जा रहा है, गुमान ये गालिब है कि जो दूसरा फ़ोन है उसके अंदर और इस फ़ोन के अंदर ना सिर्फ ये कि इस बच्ची से मुतालिक कुछ वीडियोस हैं बल्कि और भी कुछ दीगर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बिना पर इसका भांडा जो है वो फूट जाएगा और इसकी असलियत जो है लोगों के सामने आया हो सकती है। ऐसे में इसका दूसरा फ़ोन ना मिलना और इस फ़ोन का भी फॉरेंसिक होना, इसी बिना पर पुलिस ने अदालत से ये इस्तदा की है कि उनको मज़ीद इसका रिमांड जो है वो दिया जाए और जो कि अदालत की तरफ से दिया गया है। और ये जो है जज साहब की तरफ से जो उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपना पासवर्ड जो है वो दे दो, ये बड़े मानी रखता है। अब सीसीटीवी फुटेज जो है उसका फॉरेंसिक होना है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के सिर्फ कुछ टुकड़े जो है बच्ची के वालिदैन को भेजे गए थे और वो टुकड़े जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे वो वालिदैन को नहीं मिले थे। वालिदैन ने कहा कि हमें पीर असद शाह के घर से सीसीटीवी फुटेज जो है उसका कुछ हिस्सा जो दिखाया गया था उसमें हमने फातिमा को तड़पते हुए देखा था, लेकिन वो दूसरा हिस्सा जिसमें ये शख्स जो है बिस्तर से निकलता दिखाई देता है वो हिस्सा हमें नहीं भेजा गया था। इसके अलावा बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उन्हें डिलीट कर दिया गया है। तो इन सीसीटीवी कैमराज की जो फुटेजेस हैं उनको लैब में भेजा जाएगा और उसको रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से पता लग सके कि वो कौन से हिस्से थे कि जिनको डिलीट किया गया है ताकि उस असल बात तक पहुंचा जाए जो कि अभी तक छुपाई जा रही है। उसके बाद दो चार चीज़ें और हैं जिनमें से फातिमा की माँ का इंकशाफ है जिसमें उसने कुछ बातें जो है वो शेयर की हैं। जाहिर सी बात है आपने पीछे जो फातिमा की वालदा के इंटरव्यू है वो आपने सुने, आपने जाने, मैंने आपको उसके बारे में तमाम डिटेल्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन उन्हीं चीज़ों में से कुछ चीज़ें जो कि अभी तक आप तक नहीं पहुँची मैंने कहा वो भी मैं आपको बता दूँ, जिसमें कि फातिमा की वालदा जो है उन्होंने ये क्लेम किया है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि इस पीर की फैमिली में इस तरह से भेजी जाती हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि पीरों के हाँ मुरीदों के हाँ से एक बच्ची को भेजना जो है वो तो मस्ट ही होता है। आमतौर पे मुरीद जो है पीरों के हाँ उनकी इज़्ज़त करते हुए और उनकी मोहब्बत में तकरीम में भेज देते हैं। कुछ लोग अपने घरेलू हालात से तंग आते हुए कि घर में खाने को कुछ नहीं होता तो पीरों के हाँ से उनको कुछ आसानियाँ मिल जाती हैं तो वो इन पीरों के हाँ अपनी बच्ची जो है वो रखवा देते हैं। लेकिन एक लड़की को भेजना जो है हर ख़ानदान की तरफ से बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि समझा जाता है कि अगर आप मुरीद हैं फलाने पीर के तो फिर आपने एक बच्ची जो है ज़रूर उनके पास भेजनी है। और इस तरह से वो ये कहती हैं कि हमने अपनी बच्चियों को यहाँ पर भेजा था लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारी बच्चियों के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। पीर जब हमारी बच्चियों को अपने पास रखते हैं तो हमें शेल्टर भी मिलता है, हमें खाना भी मिलता है और इस बिना पर हम जो है उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पीर बुरा होता है, लेकिन अपनी बच्चों की हिफाजत जो है सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर करूँ। फॉरेंसिक के लिए इनका मोबाइल और फॉरेंसिक के लिए दीगर चीज़ें जो है वो भेजी गई, लेकिन हैरान कन तौर पर लैब से सैंपल का मंगवाना और उसके लिए दरख्वास्त देना और दूसरी लैब में भेजे जाना बड़े मानी रखता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।